आप लोगों ने हांडी वाला मटन बहुत खाए होंगे हाँ। लेकिन ये आप एक बार ट्राई कीजिए। एक सी फूड सूप बनाए हम लोग। प्रॉन्स भी है, क्रैब भी है, लाइव काउंटर है। अगर बात करें ना, अगर हम सिर्फ थोड़ा, दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। नवरात्रि खत्म हो चुका है, फेस्टिवल का महीना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो आपको सिर्फ मिलेगा फेस्टिवल, दशहरा है, दिवाली है, छठ है, बहुत फेस्टिवल मिलने वाला है। लेकिन इसी फेस्टिवल के बीच में हम एक और फेस्टिवल को ऐड कर दिए। बहुत शानदार जगह है, उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे, जिसका नाम है होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल। और यहाँ का वाइब और यहाँ का एम्बियंस जो है ना, बहुत शानदार है। एक बार ये चेक कीजिए यहाँ का एम्बियंस। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। हम लोग कौन सा फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं? आए हैं बोंग भाजा बंगाली फूड फेस्टिवल। टाइमिंग क्या है, प्राइस क्या है और क्या क्या मिलेगा आपको फूड में, उसका स्वाद कैसा होगा, हम चलते सीधे सेकंड फ्लोर पे। जैसे ही आइएगा ना, आपको दिख जाएगा यहाँ पे बंगाली का कल्चर और ट्रेडिशन दोनों दिखेगा, आपको आते ही दिख जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे यहाँ से एंट्री, और एंट्री करने के बाद जो है ना, ये वाला एरिया हुआ जो आपको, जिसमें आपको मिलेगा पूरा यहाँ से वहाँ तक जो है ना फूड लगा हुआ है, और ये सब फूड मिलने वाला आपको अनलिमिटेड। तो चलते हैं, थोड़ा सेफ से बात करते हैं, दिखाते हैं कि उस फूड का कलर कैसा है, स्वाद कैसा है, खुशबू कैसा है। बात करते हैं सेफ से, क्या हाल है? हेलो, बढ़िया है सर, आप एकदम बढ़िया। और दिवाली मिलता है पटाखा, होली मिलता है रंग, और इस फेस्टिवल मिलेगा ढेर सारा फूड। तो फूड में क्या क्या है आइए दिखाते हैं आपको। हम लोगों ने बंगाली फूड फेस्टिवल स्टार्ट किया है, और ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा लाइव काउंटर है, इसमें आपको आएगा वेज रोल, आएगा वेज चाउमीन रोल, आएगा आपका मुगलाई पराठा है, आपका मोमो है, वेज एंड नॉन वेज टू टाइप मोमो है। फिर इधर आप आने के बाद जो लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं गोलगप्पा, वो आपको मिलेगा, और आलू चॉप है, आलू चॉप और गोलगप्पा। अगर आपको ठंडा में खाना है तो गोलगप्पा है हाँ। और अगर गरम गरम का मजा लेना है तो फिर आपको आलू चॉप है। इसके बाद यहाँ पे क्या सिर्फ ये है स्टार्टर आपका, सरसों बटा फूल है, और आपका ये कटलेट है, चिकन चीज कटलेट, आपका चिकन चीज कटलेट, इसके साथ अंदर चीज स्टफिंग है। अगर ये कहेंगे फिर चीज भी और चिकन भी है, चिकन भी है। उसके बाद यहाँ पे ये है आपका कोलकाता चिकन बिरयानी, कोलकाता जो आपका दम बिरयानी है आपका, वहाँ पे कॉमन है कि आलू आपका, अगर बिरयानी में आलू नहीं हो तो फिर बिरयानी। देखिए आप राइस चेक कीजिए, और यहाँ ओए होए होए, मुझे तो बात करने का, ये देख रहे हैं शानदार सा चिकन धुआं देता हुआ। और क्या यहाँ हमारा चिंगड़ी मलाई करी, चिंगड़ी मलाई करी प्रॉन है, और ये आप देख सकते हैं इसका कलर देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश प्रॉन है। ये हमारा जो है मटन कोसा है, पूरे भाई सब बिहार वालों का एकदम फेवरेट। आप लोगों ने हांडी वाला मटन बहुत खाए होंगे, लेकिन ये आप एक बार ट्राई कीजिए, जो आपको ये फील देगा। और एक बार कलर चेक कीजिए, कलर आप चेक कीजिए इसका, तो इसको बोलते हैं मटन कोसा, मटन कोसा। और अगर आप कोलकाता गए होंगे, कोलकाता में से यार हैं आप, तो पता है आपको ना कि यहाँ पे मटन कोसा बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग खाते हैं। उसके बाद क्या यहाँ पे है? उसके बाद है एक आपका आलू भाजा है, आलू भाजा अरे जो आपका बंगाल में बहुत फेमस है। ये है आपका सुक्तो, सुक्तो क्या होता है? इसमें जो है आपका वेजिटेबल है, आपका स्वीट पोटैटो है, आपका सजना डाटा है, आपका कच्चा कोला है, मोर वेजिटेबल है, और आपका सरसों बाटा है। मतलब ये क्या है कि वेज वालों के लिए खूब तरह से भरभर कर रखा है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बगल में, इसके बगल में आपका ये एसोसिएट ब्रेड होगा, ये आपका लच्छा पराठा है, मिक्सी रोटी है, आपका तंदूरी रोटी है, बटर नान है, और उसके आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो आपका सादा भात। अच्छा जी, ये हो गया भात, आपको चाहे चावल राइस जो चाहिए, उसके बाद सेम राइस आप बोल सकते हैं। और उसके बाद है ये आपका नारकुल दिए छुलार दाल, देखिए तो ये चना का जो है छुलार दाल है, इसका आप कलर देख सकते हैं, और इसको आप लूची के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ, आप किसी के साथ भी इसको जो है, तो सब बात कर रहे हैं और मेरे मुंह में खूब सारा पानी आ रहा है। उसके बाद क्या दिखाइएगा? ये है कोई साग, हम लोगों ने लाल साग है, ये डिफरेंट टाइप का कोई साग है, इसमें भी आपका सरसों बाटा है और डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल है। उसके बाद है ये फूलगोभी डालना, ये बहुत शानदार खुशबू निकल के आ रहा है आपको। इसके बाद क्या है? इसमें आप देखिए डिफरेंट टाइप का सलाद है, सलाद बार,
आपका मूंग का सलाद है, वाल्ड्रफ सलाद है, कॉर्न एंड मटर सलाद है, डिफरेंट टाइप का वेराइटी। उसके बाद आपका पापड़ है डिफरेंट टाइप का, चार तरह पांच तरह का ये भी है। और कहते हैं ना खाने के साथ अगर पिकल ना हो तो फिर वो खाने का मजा थोड़ा ही हो जाता है, तो आपका डिफरेंट टाइप का पिकल भी है। और अच्छा ये 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 देखिए भाई साहब, ये आपको अगर समुन्द्र की याद ना दिलवाए ना तो क्या ही कहना। ये इसको बोलते हैं क्या है, ये है आपका झींगा। झींगा पूरा तो ये मिलेगा झींगा आपको खाने के लिए यहाँ पे, समुद्री डिश मिलेगा आपको यहाँ पे खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैं उसी हिसाब से एक समुद्री डिश रखा हूँ, क्योंकि आप बंगाल गए हैं और वहाँ का अगर फिश ना खाएं तो फिर वो तो मजा ही नहीं। तो इसमें आपका देख सकते हैं आपका प्रॉन्स और क्रैब्स का जो है एक सी फूड सूप बनाया है। अच्छा, प्रॉन्स भी है, क्रैब भी है, क्रैब भी है और चिकन भी है। चिकन नहीं, चिकन नहीं, चिकन नहीं है, सी फूड है भाई साहब। ये चीज ना आपको पूरे पटना में नॉर्मल डिश अभी आपको नहीं मिलेगा ट्राई करने के लिए। हम लोग क्या खाते हैं, चिकन सूप खाते हैं या वेज सूप खाते हैं, लेकिन इसमें एक बार देखिए फिर दिखाते हैं आपको। इसमें आपको क्या क्या है, क्रैब मिलेगा आपको, प्रॉन्स मिलेगा आपको और एग मिलेगा। एग मिलेगा, बहुत बढ़िया आपको सी फूड का पूरा ये बहुत शानदार। उसके बाद बगल में क्या रखा हुआ है, उसके बाद में आपका देख सकते हैं वेज वालों के लिए भी है, भुने मकई मिर्च का शोरबा है। वाह जी वाह, क्या आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा कलर है। सब बात ठीक है, लेकिन अगर बंगाली जो है अगर नहीं बोले रसगुल्ला पूरा ध्यान रखा हूँ बंगाली का। और अगर आप खाने के साथ अगर वहाँ पे मिष्टी दही नहीं मिला तो फिर खाना ये हो गया। तो हम लोगों ने दही रखा है, ये एवरीडे है, मिष्टी दही है, गुड़ का रसगुल्ला यहाँ देखिए जो बड़ा फेमस है वहाँ का। कहते हैं ना आप बंगाल गए और स्वीट नहीं खाए तो फिर क्या खाए। तो हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा उसका, और बंगाल के लोग वैसे बहुत मीठे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्वीट होते हैं। हाँ, तो मिठास तो वही बनता है। तो ये गुड़ का रसगुल्ला है। हाँ, ये हमारा चमचम है, छेना चमचम जी, ठीक है। उसके आगे ये भी मिष्टी दही है, इंडिविजुअल है, आपका ज्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ होगा मिष्टी दही। ये एक स्पेशल है हमारा भापा संदेश, भापा संदेश, भापा संदेश, ये आपको स्टीम करके मिलेगा। अच्छा, ये स्टीम, ये स्टीम से बना हुआ है, बिल्कुल यूनिक भाई साहब। तो ये है हमारा, ये देख सकते हैं आइसक्रीम उसके साथ आपको, आइए एंजॉय कीजिए। अच्छा, प्राइस क्या रखा आप लोगों ने? प्राइस जो है इसका ज्यादा नहीं है, आपका 888 है, ओनली 888 888, इतना कुछ आपको। फ्रॉन्स भी इसमें मिलेगा, आपको मटन भी इसमें मिलेगा, आपको फिश भी इसमें मिलेगा, आपको मेन और डेजर्ट है, आपका सलाद है, आपका लाइव काउंटर है। अगर बात करें ना अगर हम सिर्फ प्रॉन्स की मटन की, तो जो खाने वाले है ना, जो खाने वाले हैं ना, वो वसूल देंगे भाई साहब पैसा, 850 रुपये 900 रुपये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना महंगा होता है प्रॉन्स और इतना महंगा होता है मटन। तो अगर आप खाने वाले हैं तो वसूलने के हिसाब से आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए जगह है और सब कुछ मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। तो चलिए हम लेते हैं प्लेट और मिलते हैं आपको टेबल पे, तब तक आप इंजॉय कीजिए यहाँ का डांस। तो आपने देख लिया यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का डांस, यहाँ का देखिए पूरा फूड जो है, जो मुझे पसंद था वो मैंने ले लिया अपने टेबल पे, और अब बारी है एंजॉय करने का। तो पर दिखाते हैं, ये आपको बहुत यूनिक चीज़ है, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, इसको बोलते हैं सी सूप। तो पहले हम ट्राई करते हैं सी सूप को और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। एग है, प्रॉन्स है, भाई सूट करते करते ना ये तो ठंडा हो गया, अदरवाइज अब तक का सबसे बेस्ट सूप हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत शानदार है। और जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, जो मीट यूज़ किया गया ना है, वो एकदम सॉफ्ट और टेंडर हो गया, मतलब खा के ना आपको बिल्कुल ये मज़ा आएगा। तो ये हो गया आपको सूप। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं चिकन चीज़ कटलेट और एक बार इसका ना बिल्कुल क्रिस्पी, अगर इसका आवाज़ सुनिए आप, है ना बढ़िया दादा, ऊपर से पूरा क्रिस्पी हो चुका है। इसको हम तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर में जो है ना चिकन भी है, चीज़ भी है, और ये है कटलेट, बड़ा यूनिक सा आइटम है, और ये चीज़ भी अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। वाह, टेस्ट A1 है, और एकदम अंदर चिकन जो दिया गया ना वो बिल्कुल जूसी हो गया है, हल्का सा आपको चीज़ का फ्लेवर निकल के आएगा,
ऊपर से ब्राउन जो ऊपर से ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया गया है वो एकदम इसको क्रिस्पी कर रहा है। ए वन। अब आते हैं क्या मेन आइटम पे, जो जिसके लिए पूरे बिहार के पूरे पटना के लोग दीवाने हैं। क्या है वो? वो है नॉन वेज। तो यहाँ पे हमने लिया है कोलकाता बिरयानी। बिरयानी कोलकाता बिरयानी आपको हर जगह मिल जाएगा खाने के लिए। वैसे ही आलू होगा, उसमें अंडा होगा, चिकन होगा और हल्का सा ना केवड़ा खुशबू जो है ना उसका यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए आप इस तरीके से एकदम बढ़िया सा आपको मिलेगा खाने के लिए चिकन बिरयानी। साथ में यहाँ पे है झिंगरी और बहुत महंगा आइटम है। अगर आप आ रहे हैं बस उलने के फिराक से तो ये खाने के शौकीन है तो ऐसा नहीं कि आप खाने के शौकीन नहीं है जब अस्थि में खाइएगा, लेकिन ये बहुत टेंडर है, बहुत सॉफ्ट है क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है। माउथ मेल्टिंग, मुंह में गया, घुल गया और जो क्रीम यूज़ किया गया है बिल्कुल बटरी सा उसका ग्रेवी है, बहुत टेंडर है, बहुत लाइट है, फ्लेवर बहुत अच्छा है इसका है। आइए अब हम दिखाते हैं आपको बढ़िया। ये देख रहे हैं छूते छूते जो है पूरा हड्डी इसका अलग हो रहा है, एकदम टेंडर बन गया है मटन, हल्का सा सॉफ्ट च्वी। और तो हम इसे ट्रिप करते हैं। अगर आप देख गए कोलकाता, मैं गया हूँ वहाँ पे खाया हूँ, बीट कर रहा भाई उसको, बीट कर रहा है जो शेफ है ना यहाँ के, वो कोलकाता के हैं इसलिए उनको पता है कि चीज़ों को कैसे बनाना है। एक हाथ से सारा काम यहाँ पे होगा, हल्का डिप किए और वाह 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 वाह, 900 रुपये के अंदर में आपको इतना कुछ मिल रहा है खाने के लिए, अनलिमिटेड जितना मर्जी उतना खाओ। यहाँ रखा है मिठाई, यहाँ रखा है लस्सी, संदेश, पापड़, रोटी, सब कुछ है, दबा के खाइए। तो अभी हम ख़त्म करते हैं अपने इस पूरे प्लेट को क्योंकि स्वाद बहुत शानदार है, प्राइस बहुत कम है और सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए अनलिमिटेड, जितना मर्जी उतना खाओ। तो हम ख़त्म करते हैं इस रसगुल्ला के साथ इस पूरे वीडियो को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पे ऐसी फूड के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए कहाँ आना है, पाटलिपुत्र कॉन्टिनेंटल में, टाइम और डेट यहाँ पर दिख रहा है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को और मिलते हैं आपको एक नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।